वो धर्म की लड़ाई लड़ा, गरीबों की लड़ाई लड़ा, सरकार के नाकामयाबी को जन जन तक पहुंचाया, यही अपराध है तो ठीक है, सरकार अपराधी मान रही है, लेकिन हम गर्व से कहते हैं कि मनीष तुम मत घबराना, हम तुम्हारे साथ। उसका फैंस फॉलोइंग नेता से ज्यादा थी और इसी राजनीतिक खरियंत का शिकार बना के डर से, इसको कहते हैं डर, डर के कारण उसको जेल भेजा गया। मनीष सच्चा है, उसका अपराध यही है कि वो गरीबों के लिए, वो बिहार के धरती पर रोजगार के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ और गरीबों के हक में उसने लड़ाई लड़ा, जिससे एक इंद्र की कुर्सी डगमगाने लगी। मनीष कश्यप को लेकर के लगातार लोग अपनी राय रखते हैं और ये जता देते हैं कि मनीष कश्यप तुम मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। और इस वक्त हमारे साथ रागिनी तिवारी, जिनको जानकी बहन के नाम से भी बहुत ज्यादा जाना जाता है, और रागिनी जी लगातार मनीष सर के समर्थन में बोलती आ रही है और आज एक बार फिर से वो मनीष कश्यप सर को लेके कुछ कहना चाहती है, क्योंकि मनीष कश्यप आपका सन ऑफ बिहार अब बिहार आ चुका है। क्या बोलेंगी, मनीष कश्यप अब बिहार के बेउर जेल में शिफ्ट हो गए हैं मदुरई से, तो बिहार का था ही, तो बिहार में आए अपने धरती पर। तो मैं भी कह रही हूँ, जब मनीष कश्यप मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। मनीष कोई चोरी नहीं किया था, मनीष कोई डाका नहीं डाला था, मनीष तो राजनीति शिकार बना है, क्योंकि मनीष की फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी मनीष की, और कहीं ना कहीं इंद्र की गद्दी हिलने लगी थी मनीष के चलते, और इसी ही इंद्र के इंग्रासन के डोलने के कारण मनीष को जेल, मनीष का चोरी किया था, डाका डाला था, खून किया था, रेप किया था, राष्ट्रद्रोही किया था, क्या किया था ऐसा, बस उसका अपराध इतना था कि उसका फैंस फॉलोइंग नेता से ज़्यादा थी, और इसी राजनीतिक खरियंत का शिकार बना के डर से, इसको कहते हैं डर, डर के कारण उसको जेल भेजा गया। इनकी हथकंडा जो है काम नहीं किया, जेल में रख दो, तुम जेल में रखे हो उसके, हम जैसी बहनें या बहुत लोग, लाखों लोग आवाज़ उठा रहे हैं मनीष के लिए, प्रदर्शन कर रहे हैं, हर एक एक वीडियो देखिए उस पर लाखों लोग बैठ रहे हैं। मनीष कश्यप बिहार है तो आपने देखा क्या माहौल था? हाँ, स्वागत क्यों नहीं करे, वो क्या रेप केस में गया है जेल, स्वागत होना चाहिए। वो धर्म की लड़ाई लड़ा, गरीबों की लड़ाई लड़ा, सरकार के नाकामयाबी को जन जन तक पहुंचाया, यही अपराध है तो ठीक है, सरकार अपराधी मान रही है, लेकिन हम गर्व से कहते हैं कि मनीष तुम मत घबराना, हम तुम्हारे साथ। अच्छा, आपको नहीं डर लगता है, आप मनीष कश्यप के समर्थन में लगातार बोल रही हैं, तो जो कहीं ना कहीं समर्थन में आता है उसको कहीं ना कहीं डराया धमकाया जाता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चलता है। किससे डर हो? आपको डर नहीं लग रहा है? किससे? आप बताइए ना। मुझे एक बार फोन आया था राजस्थान से कि आप बिहार सरकार के रडार पर हैं, तो मैं हंसने लगी। मैं वो नहीं हूँ जब मैं डर से अपनी जवान बंद कर लूँगी। भय क्या है, ये मेरे जीवन में आया ही नहीं। मुझे अगर भय है तो सिर्फ अपने प्रतिष्ठा और परिवार की भय होती है, बाकी दुनिया में किसी चीज का भय मेरे अंदर नहीं है। ना कश्यप के बिहार आने से आप कितनी खुश हैं, हालांकि अभी उनकी रिहाई नहीं हुई है। मैं अभी चूंकि उलझने इतनी थी, बच्चे के रीएडमिशन वाला था तो उसमें थी, मैं जाऊंगी खुद मनीष से मिलूंगी, और ये तो गर्व की बात है कि मनीष हमारी आवाज उठा रहा है, हमारी लड़ाई लड़ रहा है, जिसके कारण बैरक्त निभाने के लिए सरकार जेल में बंद डाल दिया। वो गरीबों यानी हम जैसों के बेरोजगारी का से भ्रष्टाचार का सिस्टम नापुंसक है, इसका आवाज उठा रहा था, यही उसके जीवन में सबसे बड़ा अपराध साबित कर दिया गया राजनीतिक करियर के तहत। लेकिन आपको शायद पता होगा जब जब ये आताई की राज बढ़ी है तब तब कोई ना कोई अवतार लिया है, इनका नाश हुआ है। मनीष कश्यप को लेकर क्या लग रहा है कि अब जनता और कितना प्यार लुटाएगी और उनके समर्थक अब क्या चाहते हैं? देखिए, समर्थक तो यही चाह रहे हैं जब मनीष छूट जाए, और छूट कर बहुत जल्द हमारे बीच होगा, ये तो मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो कोई तो बोली जो राष्ट्रद्रोह तो किया नहीं है। लेकिन रागिनी जी, NSA तो लगा दिया गया ना, उसे क्या होगा, बहुत लोग पर लगा है, कमलेश भैया पर लगा था फिर वो छूटे थे, तो ये बड़ी विषय नहीं, ये बहुतों पर NSA। अब देखिए, दिल्ली दंगा के समय मुझी पर जबरदस्ती यह मीडिया जिहाद चला था, मुझ पर पूर्ण वीडियो जिहाद चला, FIR जिहाद चला, तमाम जिहाद से मैं ही उभरी हूँ। लेकिन एक मनीष कश्यप को जिस तरीके से सलाखों के अंदर डाला गया, बंद किया गया, कहीं ना कहीं उनका परिवार टूटा और बिहार के हर वो चाहने वाला इंसान टूट गया जिसके लिए मनीष कश्यप आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं, ये भी सही है, भुगतना तो कहीं ना कहीं परिवार को ही पड़ता है, क्योंकि मैं तो इसकी भुक्तभोगी हूँ। जब मुझ पर पूर्ण जिहाद चला था, पूर्ण वीडियो जिहाद, तो सबसे ज़्यादा परेशान परिवार को ही सामना, प्रतिष्ठा का भी हनन हुआ, सब हुआ। तो कहने का अर्थ है ठीक है, लेकिन आप बताइए, जो अग्नि में अगर सोने को न डाला जाए तो क्या उसमें बनावट और निखार आएगी? अगर व्यक्ति अग्नि में न तपाया जाए, अगर सीता सिर्फ रानी बन के रहती जानकी,
तो क्या ये जगत जननी कहलाती? राम चैतन्य नहीं बनते अगर सीता लंका नहीं जाती। क्या चाहती मनीष कश्यप अगर जेल नहीं जाते तो? हाँ हाँ, पता कैसे चलता है? हम लोग हम जैसे बहन भी उसके साथ है, इतने फैंस जो हैं आवाज उठा रहे हैं लगातार, क्या पैसा मिलता है उसको? अपने स्वेच्छा से मनीष के सम्मान में, मनीष के रिहाई के लिए, बिहार के भ्रष्टाचार फिर से दिखाओ, इसके लिए आवाज उठ रही है। मैं खुद इस राजनीति में, हालांकि मैं तो राजनीति करती नहीं, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि मनीष के साथ हुआ है, और ऐसे कितने मनीष का आवाज दब गया होगा। अब जैसे बहुत की बात कर रही हूँ, माधव लाल है, एक चीज आपको बताऊंगी, मनीष कश्यप सर खुद सलाखों के अंदर हैं, और बिहार में भी हाल ही में एक पत्रकार को मारा गया था, फिर भी उन्होंने मदद के लिए अपने भाई से 51,000 रुपये की आर्थिक मदद करवाई है। तो मनीष कश्यप की ये अच्छाइयाँ लोगों के दिल में भाती है? हाँ बिल्कुल भाती है। देखिए अच्छाई तो कभी छुप ही नहीं सकती, अच्छाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। अच्छाई कभी छुपती है क्या? मैं वही तो कह रही, अग्नि लंका के में जाकर आने से सीता की गरिमा धूमिल हुई क्या? गरिमा बड़ी बन में रह के अगर सीता जानकी नहीं रहती तो लोग कुछ स्वावलंबी नहीं बनते। तो वही कहते हैं अच्छाई ये प्रदर्शन की चीज नहीं है। मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे तो क्या माहौल होने वाला? मैं खुद रहूंगी उसको लेने जेल के बाहर। मैं खुद रहूंगी, अभी मैं मिलने भी जाने वाली हूँ। मनीष कश्यप अब और मजबूत हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको क्या बात बोली, जे प्रभु दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु की मुझे याद आई न होती, अगर व्यक्ति मैं घर गृहिणी बन के रहती तो क्या आज विश्व में जो जानकी नाम से प्रसिद्ध हुआ वो उपलब्धि मिलती? या जो सनातन धर्म के लिए मैं लड़ रही हूँ क्या वो लड़ पाती? अभी तक कितनी कोई बोलता है परिवार से प्रेशर बन जाता, चुप चुप हो जाते हैं, लेकिन यही तो हुआ जो हमने हमको सिस्टम तपाया। ऐसी बात नहीं है जो सिस्टम हमें नहीं तपाया, बहुत तपी हूँ मैं भी। आज आप देखिए मनीष की बात छोड़िए, बिट्टू बजरंगी को देखिए, चोर की तरह घसीटते हुए लेके जा रहा है। इसको कहते हैं सिस्टम कायर है, और बिहार सरकार को किसका डर है? सैया भय कोतवाल 15 साल चचा जंगल राज बना है, पप्पा 15 साल चचा बना रहे हैं। बिहारियों का यही बदनसीबी है कि चचा और पप्पा का खेल ऐसा हुआ जो आज कोई दिल्ली में आज से 25 साल पहले 30 साल लालू सरकार के पहले उठाइए, इतना खुशहाल था किसान, चीनी मिल थी, तमाम जूट मिल थी, बटलर था, तमाम उद्योग थे। मनीष कश्यप भी तो यही चाहते थे कि हाँ, बिहार में रोजगार मिले। मैं वही तो कह रही हूँ, तमाम ऐसे थे जो लोग को दिल्ली पंजाब आने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन ये पप्पा ऐसा आए सारा रोजगार रंगदारी के कारण बंद किए। आज कोई जाके बिहार में क्यों नहीं रहते? हत्या हो गई रहती हमारी हत्या तय थी है। आज भी अगर मैं बिहार जाके रहने लगूं तो हत्या तय। बिहार में किसका रहा? जंगल राज पार्ट 2 नहीं, पार्ट 3 आ गया है। मनीष कश्यप के लिए एक आखिरी मैसेज क्या देंगे? मनीष तुम मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। यही नहीं, ये समय होती है, समय का चक्र है, और सदैव सत्य की जीत हुई है, इस बात को भी जान लीजिए। मनीष सच्चा है, उसका अपराध यही है कि गरीबों के लिए, वो बिहार के धरती पर रोजगार के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ और गरीबों के हक में उसने लड़ाई लड़ा, जिससे एक इंद्र की कुर्सी डगमगाने लगी। तो अब बताइए वो कितना मजबूत लड़का है, जो छोटा लड़का कितना 25-30 साल 28-27 उम्र होगा, 27-28 साल का बच्चा 60 साल के इंद्र की कुर्सी, 80 साल हो गया स्वतंत्रता का, इंद्र की कुर्सी डगमगा दिया। ये समझिए कितना मजबूत है वो, इसी मजबूती से तुम डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं।